गुलदाउदी के पौधों का अभी सीज़न है, इन पे फ्लावरिंग होने लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मीली बग्स भी लगते हैं, वाइट कलर के मीली बग्स मेरे गुलदाउदी के पौधे में लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वाइट कलर के मीली बग्स लगे हुए हैं। इसी तरह से कुछ मीली बग्स गुड़हल में भी लग जाते हैं। इस वाली ब्रांच पर आप देख सकते हो ये मीली बग्स। इनके लिए एक दवाई आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और गुलाब के पौधों के लिए भी यही दवाई बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इसको एक बार छिड़कते हो अपने प्लांट पर तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादा हो रहे हैं तो हफ्ते में दो बार स्प्रे करें, आपके प्लांट पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो आसपास के पौधे होते हैं ये सभी में लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से गुड़हल के पौधे में भी देखिए, इस वाले प्लांट पर मैंने स्प्रे किया था तो वो मरने के बाद प्लांट पर ही चिपक जाते हैं। ये मरे हुए हैं जो चिपके हुए हैं, और कुछ नीचे भी गिर गए हैं, देखिए अपने आप ही ये नीचे गिर जाएंगे जब ये मर जाएंगे। तो ये दवाई काफ़ी कारगर है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सारे मरे हुए पड़े हुए हैं मिली बक्स। तो इस तरह से वो कारगर होती है दवाई, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये आपको इस तरह का स्प्रे ले लेना है और एक बोतल ले लेनी है जो घर पे पड़ी रहती है। इसमें पानी मैंने फिल कर लिया है। थाइनोगाइड के नाम से एक दवाई आती है, वो देखने में कुछ इस तरह की लगेगी। ज़्यादा बड़ा पैकेट इसका लोगे आप तो वो बहुत महंगा आता है। मैंने सीड शॉप से इसको बाय किया है, उन्होंने मुझे 20 रुपये का ये दे दिया था। इस तरह के इसमें दाने आते हैं और इनको मैं पानी में डाल के अपने प्लांट पे अप्लाई करूंगी। ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। और आपको इसका स्प्रे अपने सभी पौधों पर कर देना है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है इसका। मैंने स्प्रे किया है हफ्ते में दो बार। अगर आप करते हो, अगर ज़्यादा आपके प्लांट पर मीली बग्स हैं तो हफ्ते में दो बार स्प्रे करें इसका, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुलाब के पौधों में जो एफिड्स और मीली बग्स लगते हैं उन पर भी ये दवाई कारगर है। तो इसका स्प्रे ज़रूर करें, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है ये प्लांट पर। सभी जगह आपको इसका स्प्रे कर देना है, इस तरह से जहाँ पे मीली बग्स लगे हुए हैं। मीली बग्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके गार्डन में जितने भी पौधे होंगे सभी पर मीली बग्स का अटैक देखने को आपको मिल जाएगा और पत्तियां बहुत ख़राब हो जाती हैं, प्लांट पूरा डैमेज हो जाता है इनसे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से सभी पौधों पे स्प्रे कर देना है इसका। चिपके तो ये प्लांट पर ही रहेंगे लेकिन मर जाएंगे, पौधे पर नहीं रहेंगे आपके, फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही झड़ जाएंगे। गुलाब के पौधे में भी देखिए, जो नई ग्रोथ आती है ना गुलाब के पौधे में, उसमें भी इस तरह से मेरे पौधे में देखिए पत्तियां किस तरह से हो गई हैं। इसमें कीड़े लगे हुए हैं, बहुत बारीक सा कीड़ा है वो लगा हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, अभी नहीं है, उनको हटा दिया मैंने। देखिए यहाँ पे इस तरह की पत्तियां अगर आपके पौधे में मिलें तो समझ जाइए कि आपके प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक हुआ है। और ये दवाई बहुत कारगर है, उसके लिए इसका स्प्रे आपको करना है हफ्ते में दो बार, नहीं तो प्लांट पे आपके नई ग्रोथ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी सीज़न में। बहुत अच्छी दवाई है ये, एक बार स्प्रे ज़रूर करें इसका। किसी भी तरह के एफिड्स, मिली बग्स, स्पाइडर माइट्स होते हैं जो, या फिर तुलसी के पौधे में जो मिली बग्स होते हैं उन पे भी ये दवाई कारगर होती है। प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है इस दवाई से, सिर्फ इंसेक्ट पर ही अटैक होता है। बहुत अच्छी दवाई है ये, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें। किसी भी मेडिकल सीड शॉप पर मिल जाएगी ये, जहाँ पे प्लांट आप लेते हो, नर्सरी पर भी पूछकर देखिए, वहाँ से भी ये दवाई आपको अवेलेबल हो जाएगी, थाइनोगार्ड नाम से मिलती है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।